जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। स्कूल नहीं आने पर बच्चों की पिटाई। प्रिंसिपल ने 50 बच्चों को कतार में खड़ा करके पीटा। बच्चों के अभिभावकों ने थाने में की शिकायत। पलामू जिले के एक निजी स्कूल में 50 बच्चों को कतार में खड़ा करके पीटा गया। बच्चे UKG से 5वीं कक्षा के थे। कई बच्चों के शरीर पर छड़ी से हुई पिटाई के निशान थे, जिसके बाद नाराज अभिभावकों ने थाने में शिक्षक की शिकायत कर दी। इन बच्चों का कसूर था कि सोमवार को स्कूल नहीं गए थे। UKG से 5वीं कक्षा के बच्चों की हुई पिटाई। मामला सतबरवा थाना क्षेत्र के बारी मोड़ पर भोगू गांव में संचालित एक निजी विद्यालय का है। पिटाई खाने वाले सभी बच्चे खामटी गांव के हैं। स्कूल के प्रिंसिपल चंदन कुमार शर्मा ने कक्षा UKG से 5वीं कक्षा के बच्चों को पीटा है। बच्चे जब स्कूल से घर पहुंचे, तब उनके शरीर पर पिटाई के निशान को देखकर पेरेंट्स आक्रोशित हो गए। अभिभावकों ने की शिकायत। सभी बच्चों के अभिभावक एकजुट हुए और मंगलवार की रात 8 बजे के करीब बच्चों को लेकर सतबरवा थाना पहुंचे। थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी से प्रिंसिपल चंदन कुमार शर्मा की शिकायत की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपी शिक्षक चंदन कुमार शर्मा को थाने ले आई। बताया गया कि करीब 50 की संख्या में खामटी गांव के छात्रों को प्रिंसिपल साहब ने कतार में खड़ा करके इसलिए छड़ी से पिटाई की क्योंकि सभी छात्र सोमवार को स्कूल नहीं पहुंचे थे। छात्रों ने उन्हें बताया कि गांव में अंतिम सोमवारी के दिन कलश यात्रा निकली थी। इसी दौरान सभी छात्र यात्रा में शामिल होने के कारण स्कूल नहीं पहुंच सके थे। छात्रों ने यह भी बताया कि प्रिंसिपल साहब यह कहकर और पीटने लगे कि हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं। सभी ही छात्रों को यह भी हिदायत दी थी कि अगर अभिभावकों को बताएंगे तब और पिटाई की जाएगी। शाम को डरे सहमे छात्रों ने अपने परिजनों को बताया। इसके बाद आक्रोशित परिजन प्रिंसिपल की शिकायत लेकर थाना पहुंचे थे।